गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास सेवन का आपका चैप्टर 13 चल रहा था, उसमें से मैंने आपको लगभग 4 क्वेश्चंस करा भी दिए थे। ठीक है, फिफ्थ वाला क्वेश्चन है आपका, वहाँ से आज कंटिन्यू करते हैं फिफ्थ वाले क्वेश्चन से। ठीक है, तो फिफ्थ वाला क्वेश्चन क्या है आपका, एक फिगर दिया हुआ है आपको, इसमें देखिए ये एक ट्राइंगल दे रखा है, ए बी सी ट्राइंगल है आपका, ए बी सी ये आपको दे रखा है। ठीक है, इसकी साइड जो है ए बी को डी तक प्रोड्यूस किया गया है, बढ़ाया गया है, और ई सी को ई तक प्रोड्यूस किया गया है, और फिर बी ई को और इसको आपस में क्या कर दिया गया है, जॉइंट कर दिया गया है। डी ई ए बी बी सी आपके इक्वल है क्योंकि ऐसे साइज ट्राइंगल है। ठीक है, ए बी ए सी इक्वल है आपकी, तो ये देखिए ये जो एंगल है और ये जो एंगल है, ये दोनों एंगल भी इक्वल हो गया आपके। ठीक है, ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएंगे आपके। जब ये दोनों इक्वल होंगे तो ये जो एंगल आपका निकलेगा ये और प्लस ये दोनों भी एंगल कैसे हो जाएंगे आपके, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और यहाँ क्या दे रखा है, बी डी इज इक्वल टू सी ई आपको दे रखा है, बी डी इज इक्वल टू सी ई आपको गिवन है, दे रखा है। अब देखते हैं कैसे करना है इसको। देखिए यहाँ आपके दो ट्राइंगल बन गए, तो इन ट्राइंगल सी बी डी, इन ट्राइंगल सी बी डी एंड इन ट्राइंगल, एक सी बी डी ले लिया है हमने, सी बी डी दूसरा ले लिया है बी सी ई, बी सी दोनों में देखेंगे। देखिए सबसे पहले तो बी डी इज इक्वल टू सी ई, यानी कि बी डी इज इक्वल टू सी ई आपको दे रखा है। ठीक है, ठीक है, बी जी बी डी इज इक्वल टू सी ई है, तो बी डी का है इज इक्वल टू सी ई, बी डी और सी ई आपके इक्वल है, तो बी डी इज इक्वल टू सी ई ये हमको गिवन है, यानी कि दे रखा है हमको। ठीक है, और इन देखिए ये दो ट्राइंगल्स लिए जो हमने, ठीक है, इसको और क्या हो सकता है, बी डी और सी ई तो इक्वल है आपको, और प्रूफ क्या करना है वो भी यहाँ पे नोट कर लेते हैं। प्रूफ करना था, प्रूफ करना है बी ई इज इक्वल टू सी डी, बी ई इज इक्वल टू सी डी, यानी कि बी ई जो है हमारी वो सी डी के इक्वल है, ये हमको प्रूफ करना है। ओके, ठीक है, तो बी डी इज इक्वल टू हमारा सी ई यहाँ पे हो गया, और एंगल जो होगा मैंने आपको बताया था बी सी ई, एंगल बी सी ई इज इक्वल टू होगा, एंगल बी सी ई एंगल जो है वो सी बी डी के इक्वल होगा, एंगल सी बी डी के इक्वल होगा, सिंस क्यों होगा, सिंस ए बी सी इज एन आइसोसेल्स ट्राइंगल, ठीक है, तो ये एक आइसोसेल्स ट्राइंगल है, दोनों साइड इक्वल है, यहाँ पे इक्वल एंगल्स बनते हैं, जब ये एंगल्स इक्वल है तो जाहिर सी बात है ये एंगल्स भी इक्वल ही होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बी सी इज इक्वल टू बी सी, जो कि हमको कॉमन आर्म दे रखी है, बी सी इज इक्वल टू बी सी ये है हमारी कॉमन आर्म हो जाएगी, कॉमन आर्म, ठीक है ना, समझ आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए दो साइड्स वन एंगल इक्वल है, तो कौन सा, कॉम साइड ऐसी कॉन्गुएंस, यानी साइड एंगल साइड कॉन्गुएंस ट्राइंगल सी बी डी, कॉन्गुएंस ट्राइंगल बी सी ई, ट्राइंगल सी बी डी कॉन्गुएंस ट्राइंगल बी सी ई, ठीक है, जब ये दोनों कॉन्गुएंस हैं तो जाहिर सी बात है हमारी बी डी बी ई और सी डी भी कैसी होंगी, इक्वल होंगी, तो हेंस बी ई इज इक्वल टू सी डी बाई सी पी सी डी। ओके, ये आपका फिफ्थ वाला क्वेश्चन था जो यहाँ आपको कराया जा चुका है, कंप्लीट हो चुका है ये आपका। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सिक्स वाला क्वेश्चन, उसको भी देख लेते हैं। एक फिगर दिया गया है आपको सिक्स वाले क्वेश्चन में,
और एम क्यू एम यहाँ पी क्यू पी आर इक्वल है, पी क्यू इज इक्वल पी आर है और एम क्यू इज इक्वल टू एम आर है, तो एंगल पी क्यू पी क्यू एम एंगल पी क्यू एम इज इक्वल टू पी आर एम, ये आपको प्रूव करना है इसमें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे प्रूव करेंगे ये, ठीक है। तो ये फिफ्थ वाला क्वेश्चन है, सिक्स वाला देखते हैं। तो देखिए ये आपका सिक्स वाला क्वेश्चन है, ये आपको फिगर दिया हुआ है, यहाँ पे बताया पी क्यू पी आर यानी पी क्यू पी आर इक्वल है, एम क्यू और एम आर इक्वल है, प्रूव करना है ट्राइंगल एंगल पी क्यू एम इक्वल टू एंगल पी आर एम। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे वो देखिए, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे कि यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन लाइन खींचेंगे ये, ठीक है, जो पी और एम को मिला दें, पी आर एम को ज्वाइन कर देंगे, ठीक है, ये लाइन लेते हैं। तो ये ट्राइंगल बन रहा है हमारा पी एम क्यू, दूसरा बन रहा है पी एम आर। तो यहाँ देखेंगे इन ट्राइंगल पी एम क्यू एंड इन ट्राइंगल पी एम आर, दोनों में क्या है पी क्यू इजिकल टू पी आर हो जाएगा, पी क्यू इजिकल टू पी आर हो जाएगा क्योंकि वे हैं यानी कि हमको दिया हुआ है, और एम क्यू इजिकल टू एम आर हो जाएगा, एम क्यू इजिकल टू एम आर हो जाएगा, ये भी हमको दिया हुआ है गिवन है, और पी एम इज इक्वल टू पी एम हो जाएगा, पी एम इज इक्वल टू पी एम हो जाएगा, कॉमन आर है, कॉमन आर है, आगे देखिए यहाँ से फ्रॉम तीनों साइड इक्वल है, एस 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 कॉन्जुएंस ट्राइंगल पी एम क्यू कॉन्जुएंस ट्राइंगल पी एम आर, जब दोनों कॉम ये ट्राइंगल कॉन्जुएंस है हमारे, तो जाहिर सी बात है एंगल पी क्यू एम इज इक्वल एंगल पी आर एम, ये भी हो जाएगा बाई सी पी सी, ये आपका हो गया सिक्स वाला क्वेश्चन, ठीक है, कुछ नहीं था, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट है सेवन वाला क्वेश्चन देखते हैं। इन द एडजेसेंट फिगर डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, ओके, डी पी परपेंडिकुलर ए बी, डी पी परपेंडिकुलर ए बी एंड डी क्यू परपेंडिकुलर ए सी एंड डी पी इज इक्वल टू डी क्यू, डी पी इज इक्वल टू डी क्यू, ओके, तो दैट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, तो करना है हमको एंगल बी और एंगल सी इक्वल है, ओके। चलिए सेवन वाला करते हैं, सेवन वाला भी आपका सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, कॉन्ग्रुएंस वाला जो चैप्टर है उसमें थोड़ा सा आपको बस ध्यान रखने की जरूरत होती है, ठीक है, बाकी कुछ नहीं होता इसमें। ये देख लीजिए ये फिगर है, ठीक है, ट्राइंगल है आपका ए बी सी, ए बी सी, डी इसका मिड पॉइंट दिया है ये, ठीक है, डी मिड पॉइंट दिया है, और ये आपका परपेंडिकुलर इस पे है, और ये आपका परपेंडिकुलर इस पे है, ये है आपका P और ये आपका Q और ये परपेंडिकुलर से, परपेंडिकुलर तो ये एंगल सबके 90 डिग्री के हो जाएंगे, और ये साइड इस साइड के इक्वल है, और तो उसमें कुछ दिया नहीं है, ठीक है। तो चलिए प्रूव क्या करना है हमको, टू टू यहाँ लिख लेते हैं, टू टू करना है हमको, क्या करना है एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, ओके। तो देखेंगे दो ट्राइंगल बन रहे हैं, कौन से, इन ट्राइंगल बी पी बी, ठीक है, एंड इन ट्राइंगल डी क्यू सी, ठीक है। देखिए बी पी इज इक्वल टू डी क्यू दिया है, डी पी इज इक्वल टू डी क्यू गिवन है, दिया हुआ है आपको, ठीक है, एंड बी डी इज इक्वल टू डी सी, बी डी इज इक्वल टू सी डी हो जाएगा, बी डी इज इक्वल टू सी डी हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि डी जो है इसका मिड पॉइंट है, यानी बिल्कुल बीच का बिंदु, यानी ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, डी इज द मिड पॉइंट, सिंस डी इज द मिड पॉइंट ऑफ इसका बी सी का, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, ठीक है, और एंगल डी पी बी
एंगल डी पी बी इज इक्वल टू एंगल सी क्यू डी, सी क्यू डी बोथ आर 90 डिग्री, बोथ आर 90 डिग्री, 90 डिग्री के होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि ये आपके परपेंडिकुलर से हैं, इसलिए ये 90 डिग्री के होंगे। ठीक है, देखिए तो एंगल डी पी बी और सी क्यू डी इक्वल होंगे, डी पी बी एंड सी क्यू डी क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर से 90 डिग्री के होंगे। ठीक है, या टू साइड्स हमारे वन एंगल इक्वल हो रहा है, तो फ्रॉम कौन सा हो जाएगा यहाँ पर साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस से क्या हो जाएगा, ट्राइंगल डी पी बी, डी पी बी कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल डी क्यू सी। ठीक है, जब ये दोनों हमारे कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे, तो भाई ये दोनों एंगल जो हमारे कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी बाय सी बी सी। ओके, तो ये आज का वीडियो आपका 13.1 एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चन मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में कराए थे, और बाकी के 3 क्वेश्चन ये करा दिए हैं, बाकी के आपके इसमें 3 क्वेश्चन बचे हैं साइंस एक्सरसाइज में, तो ये आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करा दिए जाएंगे और आपका चैप्टर ये फिनिश हो जाएगा। इस चैप्टर में एक ही एक्सरसाइज है आपकी। ओके, थैंक यू।